अभी जो रोड में जो कचरा चुनते हैं, दूध की थैली हो गया, प्लास्टिक की पन्नी हो गया और बहुत सारा, वो लोग कचरा जो चुन के लाते हैं वो एक दुकानदार बैठे रहता है, मतलब स्क्रैप लेने वाला, उसको देते हैं। उससे वो क्या करते हैं, कलेक्ट करके हमारे पास भेजते, मतलब एक टेम्पो भर के हमारे पास आता है। हमारे पास जब आता है, हमने क्या करते हैं उसका खोलते, खोल के उसमें गंदगी जो रहती है सफ़ा करते हैं। अच्छा माल कौन सा है, ख़राब माल कौन सा है, कड़क कौन सा है, मतलब ऐसा डब्बा कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, वो पूरा अलग अलग करते हैं हमारे लोग। प्लास्टिक का डब्बा अगर समझो नाले में फंसा, इसका क्या होएगा, पानी जाने के लिए रास्ता ही नहीं होएगा, पूरा जाम हो जाएगा, फिर मतलब पानी रोड पे बहेगा, घरों में आएगा। अगर वही डब्बा हम लोग के पास आता है चुन के जब आता है, हमने ऐसे क्रश करके पाउडर बना देते हैं इसका इतना, और ये वापस से जाता है दाना बनाने में, रिसाइकलिंग बिजनेस पे जाता है, मतलब वो वापस से रीयूज होके वापस से यही ऐसा ही आर्टिकल बनता है। लेबर कोई गंदगी में काम करने तैयार नहीं है, हमारे पास जो भी आता है गंदा ही आता है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, और जो सब लोग बीमारी भी होती है बोल के डर के नहीं आते, और पगार भी कम दे पाते हम लोग। क्यों बोले तो गवर्नमेंट ही 5% का GST हमारे से ले लेती है, तो हम क्या देंगे लेबर को, पगार कितना ज़्यादा देंगे। अबे इतने पालन पोषण तो हो नहीं पाता है ऐसे गंदगी वाले काम में, क्योंकि पगार ज़्यादा है नहीं अपना। हाँ तो जो इधर कमाई होता है सब इधर खा पी के इधर ही लोबे ले जाता, 1000-2000 बचता वही लगाता हूँ कहाँ पे। सरकार ने इस पे GST 5% लगा दी, जो हमारे लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शहर साफ करते हैं एक तरह का, कचरे सारी चीज़ें हम लोग उठा लेते हैं, नाले ओले में जाने से बच जाते हैं हम लोग, ये सरकार का काम करते हैं, हमको सब्सिडी मिलना चाहिए इसके बारे में। वी हैव ऑलरेडी पेड GST ऑन देम, ये पब्लिक ने GST इसमें पे करके आया है, इसमें कितना GST लगाएंगे आप? मतलब आप चाहते हैं कि रिसाइकलिंग बिजनेस मत करो, पूरा बॉम्बे पूरा इंडिया प्लास्टिक का कचरा भरे जाएगा, फिर क्या नतीजा निकलेगा, मतलब बहुत बुरा नतीजा निकलेगा इसका तो।